दिग्गज डायरेक्टर करण जौहर अक्सर ही ट्रोलिंग का शिकार होते रहते हैं, कभी फिल्मों को लेकर तो कभी पॉपुलर चैट शो कॉफी विद करण को लेकर। सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार ट्रोल किया गया है, यहां तक कि सेलेब्स भी उन्हें ट्रोल करते रहते हैं। लगातार ट्रोलिंग से परेशान होकर करण जौहर ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है। करण जौहर ने पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि वह ट्विटर को छोड़ रहे हैं और इसके बाद अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि करण के आखिरी पोस्ट पर भी फैंस उनकी खिंचाई करने से बाज नहीं आए। आपको बता दें, अपने टॉक शो कॉफी विद करण को लेकर चर्चा में रहने वाले फिल्म निर्माता सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रोल किए जाने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। पिछले दिनों उनके चैट शो कॉफी विद करण में जाह्नवी कपूर और सारा अली खान ने शिरकत की थी। इस दौरान करण ज्यादातर जाह्नवी के फेवर में नजर आए। इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि करण पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने और केवल स्टार किड्स को ही लॉन्च करने के आरोप लगते ही रहते हैं। करण जौहर ने ट्विटर को छोड़ने से चंद समय पहले अपना आखिरी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने चाहने वालों को गुड बाय कहा है। उन्होंने अपने आखिरी ट्वीट में लिखा, मैं जगह बना रहा हूँ और भी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी के लिए, और ये उसी की ओर एक स्टेप है। गुड बाय ट्विटर। करण का इस तरह से अचानक ट्विटर छोड़ देना लोगों को रास नहीं आ रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स को करण जौहर का यूं अचानक ट्विटर से अलविदा लेना समझ नहीं आया। ट्विटर पर अब हर कोई यह जानना चाहता है कि करण ने इस प्लेटफॉर्म को क्यों छोड़ा है। इसी वजह से ट्विटर पर कुछ ही देर में करण जौहर का नाम भी ट्रेंड करने लगा है। वहीं कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इस पर भी करण जौहर का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, सर पूरे इंडिया में सुख शांति चाहते हो तो कॉफी विद करण वाला कचरा भी हटा दो। तो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, यह अकाउंट बंद करके एक अनजान अकाउंट यूज करेगा। हालांकि करण जौहर अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने सिर्फ ट्विटर को छोड़ा है, लेकिन इंस्टाग्राम पर अब भी उनका अकाउंट बना हुआ है, जहां पर वो अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी के बारे में फैंस को जानकारी देंगे। बता दें कि इससे पहले भी करण जौहर सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी से परेशान होने की बात कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद लोगों का बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ गुस्सा उतरा था। इस मामले में सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल किए जाने के साथ साथ उन पर नेपोटिज्म के खूब आरोप लगे। तो वहीं वर्क फ्रंट की बात करें तो करण आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का निर्देशन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह अगले साल रिलीज होने वाली है। साथ ही धर्मा प्रोडक्शन ने हाल ही में इंडस्ट्री में 10 साल पूरे किए हैं। अब करण जौहर ने तो ट्विटर को गुड बाय कह दिया है, ये उनका आखिरी पोस्ट था। अब इसके बाद फैंस इसकी वजह तलाशने में जुटे हैं कि आखिर क्यों करण ने ट्विटर को छोड़ने का फैसला लिया। आखिर क्या वजह रही कि करण ने इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अलविदा कह दिया है। करण जौहर ने सच में ट्विटर छोड़ दिया है या ये कोई मजाक है। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द VOB इंडिया।